175 साल की गुलामी से हम 1947 में आजाद हुए। ब्रिटिश ने हमारे कई सारे हुकूक ले लिए, कई तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ब्रिटेन ने हमारे पर्सनल लॉज का राइट नहीं लिया था। उस 175 साल के पीरियड में आप देखेंगे कि लेक्सी लॉकी रिपोर्ट मौजूद है जो 1840 के अंदर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, इट इज रिकमेंडेड दैट द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। 1859 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन था कि पर्सनल लॉज शुड कंटिन्यू टू गवर्न बाय सेपरेट कोर्ट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, उसने ऐसे प्रोविजंस बनाए जिससे कि हिंदू लॉ हिंदूज के लिए, इस्लामिक लॉ मुस्लिम्स के लिए, जो पर्सनल मैटर के लिटिगेशन में इस्तेमाल किया जाए। और इंडिया की आजादी 1947 में हुई, लेकिन उससे 10 साल पहले 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पास किया गया। तो हम देखते हैं कि यहां पर ये सारे कानून जो चलते आए, हिंदूज को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, सबको अपने पर्सनल लॉज इस पूरे पीरियड में मिलते रहे। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह का सप्रेशन तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया।